हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ स्वीट कॉर्न की रेसिपी। तो चलिए, ये शाम की छोटी छोटी भूख के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है और ये 5 मिनट में बन जाती है। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि स्वीट कॉर्न मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं ये कॉर्न। देखिए, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, इस तरीके से बंद पैकेट आते हैं इनके। तो इसके बाद मैं इन्हें एक बर्तन में निकालूंगी और इन्हें अच्छे से वॉश कर लूँगी। अच्छे से वॉश करने के बाद जब पानी हमारा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा तो हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे उबालने के लिए। ये देखिए, पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है, अब इन्हें हम उबाल लगा लेंगे। उबाल लगाने के लिए मैंने एक बर्तन पर प्लेट से इसे ढक्कन से बंद कर दिया है और इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊँगी। देखिए, मीडियम फ्लेम पर इनको पकाना है। 4 से 5 मिनट बाद हमें चेक कर लेना है कि हमारे स्वीट कॉर्न उबले या नहीं। तो ये देखिए, जब ये उबल जाएंगे तो इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और उसके बाद इन्हें एक छन्नी में निकाल लेना है। ये देखिए, अब ये छन्नी में निकाल लिए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच बटर डाल लिया है। बटर को अच्छे से गर्म होने के बाद हम उसमें अपने डाल देंगे स्वीट कॉर्न। अब मैं इस तरीके से सारे स्वीट कॉर्न इसमें डाल दूंगी। स्वीट कॉर्न डालने के बाद सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, जितना तीखा आप खाते हो उसी तरीके से। और उसके बाद डालेंगे हम इसमें चाट मसाला और सबसे बाद में इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिए मसाले। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। ये मैंने एक नींबू ले लिया है, अब मैं इसमें नींबू का रस मिक्स कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये गर्मा गर्म सर्व करने के लिए तैयार है हमारे स्वीट कॉर्न। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और ये बहुत जल्दी से बन भी जाते हैं। बच्चे और बड़े सभी को ये पसंद आते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।